हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे कि हम रेविट में किसी भी स्ट्रक्चर की रूफ कैसे डिजाइन कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रूफ डिफरेंट टाइप की हो सकती है, स्लोप हो सकती है, नॉन स्लोप हो सकती है, फ्लैट हो सकती है, टिल्टेड हो सकती है। तो ये डिफरेंट टाइप का रूफ जो है वो हम रेविट में कैसे डिजाइन करते हैं, आइए देखते हैं। तो ये मैं इस वक्त आर्किटेक्चरल टैब में हूँ और ये हमारे पास 40x40 का आउटर लेआउट है वॉल्स का और इसके हमने 4 कॉपीज प्रिपेयर कर रखी है। तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ रूफ इन डिफरेंट जो लेआउट एंड पे अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे पास आर्किटेक्चरल टैब में यहाँ पे रूफ का ऑप्शन है। इसके साथ ही हमारे पास एक डाउन इंटरफेस बटन है, इस पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रूफ बाय फुटप्रिंट, रूफ बाय एक्सट्रूजन, रूफ बाय फेस एंड बाकी 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूफ भी अवेलेबल है। तो अभी हमने सबसे पहले रूफ बाय फुटप्रिंट पे क्लिक करना है क्योंकि हमने रूफ बाय डायमेंशन यहाँ पे क्रिएट करनी है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके पास आ जाएगा यू हैव क्रिएटेड द रूफ ऑन द लोएस्ट लेवल, वुड यू लाइक टू मूव इट टू लेवल 2। यानी कि ये जो रूफ, ये जो वॉल्स हैं हमने लेवल 1 पे क्रिएट किए हैं और अब हमने रूफ जो है वो लेवल 2 पे क्रिएट कर लिया। इसको आपने सिंपली ओके कर देना है, इसको आपने यस कर देना है। जैसे आप इसको यस करेंगे आपके पास बेसिक रूफ जेनिक 12 इंच ये बाय डिफॉल्ट रेविट में आपके पास आ जाएगी। तो ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट रूफ होगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ड्रॉप ऑप्शन। इस ड्रॉ के ऑप्शन में आप देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंट हमारे पास इंटरफेस है, इसमें आप देख सकते हैं लाइन है, रेक्टेंगल है, पॉलीगॉन है, आर्क है एंड डिफरेंट टाइप के ऑफसेट्स भी। तो इसमें से चूंकि हमने यहाँ पे स्क्वायर की रूफ डिजाइन करनी है तो हमने सिंपली क्या करना है, इसको रेक्टेंगल को पिक कर लेना है और इस स्क्रीन को जूम इन करने के बाद हमने इसके आउटर पॉइंट पे क्लिक कर देना। जैसे हम इसके आउटर पॉइंट पे क्लिक करेंगे आप ये देख रहे हैं हमारे पास ये ड्रॉ होना शुरू हो जाएगा पर्पल लाइन की फॉर्म। और हमने इसके दूसरे जो पॉइंट है उस पर क्लिक करके पूरा जो स्ट्रक्चर है उसे कवर कर लेंगे। जैसे हमने स्ट्रक्चर कवर कर लिया उसके बाद एस्केप कमांड दबाई। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक चार राइट एंगल ट्रायंगल है। ये राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है कि यहाँ पे स्लोप होगी, यानी कि जिस भी साइड ऑफ द रूफ पे राइट एंगल ट्रायंगल शो हो रही है इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास स्लोप आ रही है। तो अब चूंकि हमने यहाँ पे अभी चारों साइड की स्लोप प्रोवाइड करनी है तो अभी हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। और ये देख सकते हैं आप एक फिनिश एडिट मोड है और एक कैंसिल एडिट मोड है। ये ऑपरेशन तब तक कम्प्लीट नहीं होगा जब तक कि आप इसको फिनिश एडिट मोड पे क्लिक नहीं करेंगे। अगर आपने इसको कैंसिल करना है, रूफ को डिस्कार्ड करना है, तो आप कैंसिल एडिट मोड पे क्लिक करेंगे। अभी मैं इसको फिनिश एडिट मोड करूंगा और यहाँ पे देखेंगे आपसे पूछेगा कि वुड यू लाइक टू अटैच द हाइलाइटेड वॉल्स टू रूफ, यानी कि जो आपकी वॉल्स हैं वो आपकी रूफ के साथ अटैच होंगी या नहीं होंगी। तो हम तो यही चाहते हैं कि अटैच कर। अब ये देखें आप 2D प्लान में आपको रूफ शो नहीं होगी, आपको रूफ के लिए आपको 3D में जाना पड़ेगा। ये देख सकते हैं हम डिफॉल्ट 3D व्यू है, यहाँ पे सिंपली क्लिक करें और आपके पास रूफ शो हो जाएगी। ये हमारे पास 3D ऑप्शन की वो है, हम इसको फिलहाल अभी हाइट कर देते हैं और ये देख सकते हैं आप हमारे पास रूफ आ गई। अभी आप इसको रियलिस्टिक कर लें। जैसे आप इसको रियलिस्टिक करेंगे आपको नजर आ जाएगा कि हमारी वॉल पर रूफ डिजाइन हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप, ये हमारे पास चारों साइड पे स्लोप्ड रूफ डिजाइन हो गई है जो कि एक पॉइंट पे आपस पे मीट कर रही है। अब डिफरेंट हम दूसरी टाइप की रूफ देखते हैं जिसमें हमारे पास 2 साइड पे रूफ है लेकिन बाकी साइड जो सिर्फ वॉल से लीनियरली अटैच्ड। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि आप देख सकते हैं अगेन हम रूफ पे गए, रूफ पर फुटप्रिंट पे क्लिक किया और हमारे पास ये आ गया कि हमने लेवल 2 पे ही बनानी है, उसको आप यस कर देना है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि वही बेसिक रूफ जनरेट 12 इंच है, इसी पे भी हमने काम करना है और आपने रेक्टेंगल को ड्रॉ के ऑप्शन में सिलेक्ट कर लिया। सो सेम वही प्रोसीजर है, आपने इस पे क्लिक किया और आपने यहाँ पे क्लिक किया और इसके बाद आपने एस्केप कमांड दबा दी। अभी हम इसको एस्केप एक दफा कमांड दबाइए तो अभी हम इस कमांड से बाहर नहीं आए हैं। अभी आपने इसको सिंपली जैसे ही फिनिश एडिट मोड करेंगे तो आपकी अभी हम यहाँ पे हमने जो चेंजेस कर दिए, देखें हमने यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे अपने 2 साइड्स पे तो रूफ रहने देनी है बट यहाँ पे ये 2 साइड पे हमारे पास स्लोप होगी लेकिन यहाँ पे स्लोप हमें नहीं प्रोवाइड करनी। तो हमने क्या करना है कि सिंपली हमें यहाँ पे आप इसे कमांड दबाए, उसके बाद हमने क्या करना है कि इसको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के लिए आप जो लेफ्ट बटन है माउस का उस पर क्लिक करके यहाँ पे ये 2 लाइन है ऐसे सिलेक्ट कर लें। तो देख सकते हैं आप ये ब्लू है सिलेक्ट हो चुकी है। इसके लिए यहाँ पे आपके पास डिफाइन स्लोप का ऑप्शन आएगा, इस डिफाइन स्लोप को आपने सिंपली अनचेक कर देना है। जैसे आप इसको अनचेक करेंगे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास ट्रायंगल है वो रिमूव हो चुका है, इसका मतलब है सिर्फ इन 2 साइड्स पे स्लोप आएगी और यहाँ पे स्लोप नहीं आएगी। लिहाजा इसको फिनिश एडिट मोड करें और यहाँ पे इसको अटैच करें। अगेन जाते हैं 3D व्यू में, देखते हैं कि क्या हमारे पास डिजाइन हुआ है।
ये देख सकते हैं हमारे पास टू वही साइड जो लेफ्ट एंड राइट है हमारे पास रूम आ चुकी है, बट जो टॉप एंड बॉटम की जो वॉल्स हैं वो सिर्फ आपके जो अपर पार्ट द रूफ है उससे अटैच हो चुकी है। तो ये भी हमारे पास एक रूफ होती है, ये भी हमारे पास जो हमारे पास डिफरेंट टाइप के होम्स होते हैं हाउसेज होते हैं अक्सर हमें ऐसी रूफ ही डिजाइन करनी पड़ती है, तो ये भी आर्किटेक्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगेन आप जो भी काम करेंगे वो आप 2D प्लान में करेंगे, लेवल 1 में आप चले गए, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने अगर सिर्फ एक ही टाइप में मतलब एक ही स्लोप हो, एक ही साइड पर स्लोप हो, बाकी जो तीनों साइड हमारे पास स्क्वायर की उसमें हमारे पास कोई स्लोप ना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए अगेन जाएंगे रूफ में, रूफ पर फुटप्रिंट पे और लेवल 2 पे यस कर जाएंगे। उसके बाद सेम एज इट इज आपके पास बेसिक रूफ है उसी पे आपने काम करना है, उसी को आपने प्लेस करना है। आपके पास ड्रॉप ऑप्शन है, उसमें आप देख सकते हैं इंटरफेस है ये डिफरेंट, इसमें हमने रेक्टेंगल को क्लिक किया और आपने इसको पूरे को ऐसे कवर कर दिया, ऐसे आपने कवर किया, आपके पास 4 यहाँ पे स्लोप शो हो रही है। उसके लिए आपने क्या करना है, कमांड एंड बटन दबा के आप इससे बाहर आ गए और आप यहाँ पे आपने पिछला प्रीवियस में आपने 2 साइड्स को सिलेक्ट किया था, इसमें आप 3 साइड्स को सिलेक्ट कर लेंगे। आपने 3 साइड्स को सिलेक्ट किया, उसके बाद आपने सिंपल इसको डिफाइन स्लोप को अनचेक कर देना है। इसे अनचेक किया आपके पास ट्रायंगल्स रिमूव हो गई, स्लोप रिमूव हो गई, इनिशिएट मोड पर क्लिक करें एंड देन अगेन अटैच कर दें। उसके बाद जाते हैं 3D व्यू में, देखते हैं हमारे पास क्या डिजाइन हुआ है। देख सकते हैं हमारे पास ये जो है एक साइड पे हमारी रूफ जिसकी हमने ट्रायंगल रिमूव नहीं की थी, हमारे पास स्लोप आ गई है, बाकी हमारी सारी एज इट इज रही है और हमारी रूफ से कनेक्ट हो चुकी है। तो ये भी आपके अक्सर आपके पास डिजाइनिंग में डिफरेंट टाइप इस टाइप की स्ट्रक्चर्स आ जाती है, इस टाइप की रूफ आ जाती है कि आपको डिजाइन करना है। तो इसमें सिंपली क्या है कि जो साइड पे आपको स्लोप प्रोवाइड करनी है उस साइड पे आपको डिफाइन स्लोप का ऑप्शन अनचेक नहीं करना, बाकी साइड्स पे सब अनचेक कर देना। अगेन लेवल 1 पे जाते हैं और अब एक सिंपल सी रूफ है हमारे पास की, फ्लैट रूफ कैसे डिजाइन की जाती है, फ्लैट रूफ जिसमें कोई स्लोप नहीं है, जो बिल्कुल स्लोप नहीं होती, उसके लिए भी सेम तरीका है। रूफ रूफ पर फुटप्रिंट में जाए, लेवल 2 यस करते हैं और ड्रॉ के ऑप्शन में जाकर यहाँ पे आपने क्लिक करके पूरा पॉइंट सारे पॉइंट्स को कवर कर लें, अगेन कमांड से बाहर आ जाए और उसके बाद पूरे ही रेक्टेंगल को पूरे ही स्क्वायर को क्लिक करके सिंपली डिफाइन स्लोप अनचेक कर दें। इसका मतलब है इस वक्त यहाँ पे कोई स्लोप नहीं, देन अगेन फिनिश एडिट मोड पे जाके अटैच कर लें। इसके बाद हम जाके देखते हैं तो हमारे पास देख सकते हैं आप बिल्कुल फ्लैट रूफ है, यानी कि इसमें कोई स्लोप नहीं। तो ये डिफरेंट 4 टाइप्स ऑफ रूफ हैं जो हमें किसी भी हाउस के या किसी भी स्ट्रक्चर में रेविट में अक्सर ऑफनली डिजाइन करनी पड़ जाती है, तो रेविट आर्किटेक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आज के लिए गाइस दोस्तों इतना ही इस वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।